आज कोटा के लिए जो एक श्रेष्ठ नगरी है, जहां आप देश भर का विद्यार्थी पढ़ने आता है और पढ़ने के बाद अपने सर्वश्रेष्ठ करियर के साथ देश और समाज का नेतृत्व करता है। कोटा देश की वह नगरी है जहां पर हजारों बच्चे आज IIT बनकर, डॉक्टर बनकर देश सेवा का काम कर रहे हैं और भारत का गौरव और सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं इस शुभ काम के लिए भारतीय माइस्ट्री एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और विशेष रूप से श्री MD मोदी साहब, जिन्होंने कोटा में पहले पुरुष छात्रावास की शुरुआत की, एक पहले दानदाता के रूप में इस कोटा में छात्रावास बने, शिक्षा नगरी के अंदर हम किस तरीके से शिक्षा के माध्यम से उसका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं और उसके बाद उन्होंने आज अपनी माताजी और पिताजी के नाम श्री श्री लक्ष्मी देवी भालचंद मोदी महिला छात्रावास की शुरुआत की। मैं इसके लिए संपूर्ण मोदी परिवार को, संपूर्ण सभी ट्रस्टियों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यहां पर बालिका छात्रावास की शुरुआत की, जिसकी बहुत महती आवश्यकता है क्योंकि लगातार कोटा में देश भर का विद्यार्थी पढ़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जो विश्वास, जो भरोसा यहां की संस्थानों के प्रति उनका हुआ है और जो बेहतर परिणाम आए हैं, जिसके कारण पूरे देश के अंदर यहां के संस्थानों की ख्याति है। मैं भी देश के अलग अलग हिस्सों में जाता हूं और मैं देखता हूं कि भारत में नहीं, दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर जो भारत की शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में, IIT के बारे में जानते हैं, वो कोटा को एक शैक्षणिक नगरी के रूप में एक पहचान दुनिया के अंदर, भारत के अंदर कोटा की बनी है क्योंकि यहां का पढ़ने वाला बच्चा डॉक्टर, IIT के रूप में उस देश में कहीं ना कहीं उच्च संस्थानों में काम कर रहा है, इसलिए उसका कहीं ना कहीं लगाव कोटा से रहता है। एक लंबा समय जिंदगी का, 2 साल 1 साल उसको वहां गुजरता है तो उसका जुड़ाव एक कोटा से हमेशा रहता है। ऐसे मैंने संस्थान के मालिकों को कई बार आग्रह किया कि उन सब जिन्होंने यहां कोटा की धरती से पढ़कर निकले हैं, उनका सबको एक बार प्रयास करना चाहिए सामूहिकता के साथ और सब एक साथ मिले भी और कोटा में पढ़ने के बाद वो देश में क्या क्या योगदान दे रहे हैं उनके बारे में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति, उनकी सोच, उनकी विचार, उनके इस कोटा का अनुभव और उस कोटा की शिक्षा के बाद उनके जीवन का जो परिवर्तन, उसके अनुभव को साझा करें ताकि देश और विदेश का और विद्यार्थी यहां पर पढ़ने आए। माइस्ट्री समाज एक समृद्ध समाज है
और मेरे पास देश भर के लोग, अलग अलग हिस्से के लोग आते रहते हैं, लेकिन कभी भी कोई माहेश्वरी समाज का व्यक्ति मुझे पीस कंसेशन के लिए नहीं आया। और कभी ये भी नहीं आया कि मुझे छात्रावास, एक बार एक व्यक्ति जरूर आया था, उसके अलावा न कोई पुरुष छात्रावास के लिए आया, न महिला छात्रावास के लिए आया। तो इसमें मेरे मन में दो बात आई, क्योंकि मायसी समाज का व्यक्ति बड़ा स्वाभिमान है और वह अभाव वंचित में भी अगर रहता है तो भी एक सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण वह अपनी परेशानियों अभावों को कई हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो उस समय हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम समाज के उन अभाव वंचित गरीब व्यक्तियों तक पहुंचे। और मेरा तो बहुत लंबा अनुभव है, अलग अलग देश में अलग अलग चर्चाएं चलती है। जब मैंने यहां पर प्रसादम शुरू किया था तो मैंने कहा कि निःशुल्क प्रसादम पहली बार मैंने कोटा में शुरू किया है। समझदारों की तो कोई कमी नहीं है, दिमागों की भी कोई कमी नहीं है। जहां ज्यादा दिमाग होते हैं वो दल जितनी बार टूटता वो ज्यादा बार टूटता है। ये देश की राजनीतिक इतिहास में आप देख लो, सामाजिक संगठनों को देख लो, जहां बहुत ज्यादा दिमाग होते हैं वो संगठन कहीं ना कहीं बिखराव की ओर होता है, और वही समाज भी बहुत ज्यादा जहां पर बहुत ज्यादा दिमाग होते हैं वो बहुत संगठन बहुत बिखराव बहुत छिन्न भिन्न आता है। मैं तो कोई देश का ऐसा समाज नहीं जिस समाज मेरा जाना नहीं होता, अब कम जाता हूं, लेकिन सबका अनुभव है, सबके कहीं ना कहीं सांसद कहीं ना कहीं मुझे संपर्क में रहते ही हैं। पूरा देश एक बार मेरी निगाह में तो रहता है कि देश के अंदर जनप्रतिनिधि जब 543 रहते हैं तो पूरा देश एक मेरी निगाह में रहता है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी एक्टिविटी से क्या लाभ मिलता है। तो मेरा कहना यह कि हमें उन अभाव वंचित लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा जितना भी अनुभव रहा अभी तक सामाजिक कामों में, कुछ सीखा कुछ अनुभव किया, लेकिन बहुत ज्यादा अभाव वंचित गरीब व्यक्ति भी आपका मांगने नहीं आता। जब मैंने प्रसादम शुरू किया था तो उस समय 900 से 1200 लोगों का खाना बनाते थे, और वो सीन भी मुझे याद है कि जब एक अखबार ने सुबह लिखा कब कहानी की, मैं मेरी जिंदगी में पहली बार मेरे 7 बच्चों को 7 बैठ कर खाना खिला रही, मतलब वह कभी अपने बच्चों को 7 बच्चों को एक साथ खाना निकला, क्योंकि गरीब का ईमान होता है पहले 1200 फिर 900 फिर 800 600 500 400। मुझे दिमाग लोगों ने कहा बिरला जी क्या शुरू कर दिया, लोग काम नहीं करेंगे, काम चोर हो जाएंगे, फिर में भोजन मिलेगा तो सुबह शाम भोजन करेंगे काम नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारे दिमाग हैं। मैंने उनको कहा भाई आपकी कोशिश हो करो, दानदाता है, दानदाता एक बड़े दानदाता से लेना नहीं है, सबका सहयोग होना चाहिए, सुबह का खाना एक का शाम का खाना एक का, क्योंकि जितने दानदाता जुड़े उतने बढ़िया, एक व्यक्ति खाना चलाए वो अच्छा नहीं है। एक व्यक्ति मेरे मित्र ने कहा कि अपन ही चलाए थे, मैंने कहा वो नहीं, सबका सहयोग होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन समाज में कोशिश होनी चाहिए लोगों की दान करने की। मोदी साहब ने भी पत्र पढ़ी दिया, उससे ज्यादा तो कोई संदेश हो ही नहीं सकता। तो दान के मामले में तो मोदी साहब ने बिरला जी का संदेश पढ़ने के बाद कोई विचार नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद में देखा धीरे धीरे 400 और 300 कम हो गए, तो फिर हमने कहा कि ये संख्या कम होती जा रही है। तो फिर हमने मोबाइल वैन शुरू की कि जहां उसके घर तक पहुंचे खाना, वो नजदीक जहां पर पहुंचे। इसी तरीके से हमें जितने भी प्रकल्प है उसमें ही विचार करना पड़ेगा, हमारे संगठन को पहले बहुत नीचे तक डीप तक तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जहां संगठन मजबूत होता है और अच्छा संस्कृति संस्कार का संगठन होता है, बस संगठन के अंदर बहुत धन नहीं होना चाहिए और बहुत भवन नहीं होने चाहिए, दो चीजें का कुछ न कुछ
अभाव रहना चाहिए, नहीं तो धन हो जाएगा और बिल्डिंग हो जाएगी तो बड़े संगठन, दुनिया के बड़े बड़े संगठन धन और उस बिल्डिंग के कारण, बहुत प्रतिस्पर्धा के कारण टूट जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होना चाहिए कि हमारा संगठन का नेटवर्क इतना होना चाहिए कि हमें चिन्हित करना चाहिए कि ये बच्चा या ये बच्ची पढ़ने में टैलेंट है लेकिन इसके घर में अभाव है। हम ऐसे परिवारों को, ऐसे बच्चों को चिन्हित कर और उनको जो वो पढ़ना चाहते हैं, भगवान ने हमें सक्षम बनाया है, यहां पढ़ना चाहेगा, यहां कोटा में पढ़ना चाहेगा, दिल्ली में, चेन्नई में, आप उसकी चिंता मत करो, धन की चिंता मत करो, व्यवस्था की चिंता मत करो। आपका काम है चिन्हित करना, संगठन का काम है चिन्हित करना उन परिवारों को। 100, 200, 500 लोगों को अपन ने चिन्हित किया कि कोई चेन्नई में पढ़ना चाहता है, कोई पुणे में पढ़ना चाहता है, कोई बम्बई में पढ़ना चाहता है, उसकी आप चिंता छोड़ो, आप चिन्हित करें और फिर टारगेटेड तरीके से हम उनके घर तक पहुंचे और उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, बेहतरीन शिक्षा दें, उच्च स्तरीय शिक्षा दें। धन का अभाव उसकी शिक्षा में नहीं आना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बननी चाहिए और यही बड़ा काम हमें करना चाहिए। ये जो हॉस्टल बनाया उस हॉस्टल के अंदर हम मानो 25-50 जितनी बच्चियां हैं पढ़े, उनको फ्री में भोजन दें, उनको फ्री में शिक्षा दें। अभी कोरोना के समय एलएन कोचिंग ने देश भर के कितने बच्चे, परिवार के बच्चों को कहा कि हम उन परिवार जिनके माता पिता नहीं रहे उन बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको हॉस्टल की फ्री देंगे। और फिर भी कोई ऐसा नहीं कि 5,000-10,000 आ गए होंगे, बहुत कम लोग फिर भी आए। तो ओपन ऐलान करने के बाद भी ये सामर्थ्य होना चाहिए कि नहीं, हम देश के अंदर जितना भी मायसी समाज का विद्यार्थी है, जो भी पढ़ना चाहता है, जहां भी पढ़ना चाहता है, दुनिया देश में पढ़ना चाहता है, हम उसको पढ़ाएंगे और उसको देश समाज में नेतृत्व, ये हमारी जिम्मेदारी है। तब हमारे छात्रावासों का एक लाभ मिलेगा, क्योंकि आईआईटी में बच्चा पढ़ना चाहता है तो आईआईटी में बच्चा पढ़ेगा, अगर धन के अभाव हो गए तो मैं शिक्षा फ्री करा दूंगा, भोजन फ्री करा, उसकी आप चिंता मत करो, लेकिन उसको पढ़ने में जो उसके संसाधन की आवश्यकता है सब संसाधन उपलब्ध कराए। तो ये ऐसे काम हम करेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा ही व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण और व्यक्तित्व विकास करता है। आज आजादी के पहले हम 18% साक्षर थे, आज 78%, तो देश कहीं ना कहीं बढ़ा, तो शिक्षा उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है। दुनिया के अंदर जितने भी देश विकसित देश बने उनके अंदर शिक्षा, रिसर्च, इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी के कारण दुनिया के अंदर वो देश विकसित हुए हैं। हमें भी भारत को इस दिशा की ओर ले जाना है, जब सब समाज के लोग अपने अपने समाजों के अंदर, आज गरीब से गरीब समाज भी मानो भील समाज सबसे गरीब समाज है, उन्होंने भी 1 करोड़ का हॉस्टल तैयार कर दिया। जब मैं उनके वहां गया तो मुझे लगता था कि भील समाज, मेरे कोटा में जब मैं जाके देखता था तो 10-10 दिन तक कपड़े, मतलब बहुत गरीबी अवस्था के अंदर थे। लेकिन मैं जब उनके छात्रावास के शिलान्यास में गया तो उन्होंने कहा मैंने कितना पैसा इकट्ठा किया, उन्होंने कहा साहब हमने 1 करोड़ रुपए तुम्हें और देंगे, तुम बनाओ छात्रावास। अब आप देखो कि उस गरीब व्यक्ति ने भी 1 करोड़ इकट्ठा कर लिया। तो हम तो सामर्थ्य है, जिनकी मैं जानता हूं लकड़ी चलाकर, मतलब सबसे गरीब अवस्था के अंदर रहते हैं, बाल्मीक समाज ले लो, बेरवा समाज ले लो, कितने समाजों के छात्रावास को उद्घाटन में गया हूं, सबने अपने छात्रावास जनता के धन से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके बना दिया। इसलिए कोटा एक बड़ी श्रेष्ठी नगरी है देश के हर हिस्से के अंदर समाज के लोगों को। ठीक है आपने 100 करोड़ का बना, लेकिन 100 करोड़ में से कुछ पैसे शिक्षा के अंदर भी लगाओ, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट में 100 करोड़, मतलब मायश्री भवन बनाना, धर्मशाला बनाना, वो समय गया, अब धर्मशाला में नहीं ठहरते लोग, बाजी गए जमाने धर्मशाला के। एक समय था जब राहगीर रात को आता था, ठहरने की व्यवस्था नहीं होती थी उस समय, आज हमारा सारा फोकस शिक्षा पर और शिक्षा के उन परिवारों को रखना जिनको हम आर्थिक रूप से भविष्य में सक्षम करके खड़ा कर दे, ताकि समाज की समानता, समावेशी और समानता जो हमारे लक्ष्य है समाज के, कि हर व्यक्ति यहाँ पर 2 टाइम की रोटी का इंतजाम कर रहा है, सम्मान की जिंदगी जी रहा है, इस दिशा में काम करना चाहिए। मैं पुनः विशेष रूप से
श्री मोदी जी को, उनके परिवार को, और जो ट्रस्टी जिस तरीके से लगे हुए हैं, जिन्होंने यहाँ एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया, पहले बॉयज हॉस्टल बनाया, जिस समर्पण और सेवा से काम करें, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।